आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस ज्वेलरी के साथ क्या कर रहा हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है अफशान अहमद। ये इतनी सुंदर ज्वेलरी बनाई कैसी जाती है, इन पे इतनी सुंदर डिज़ाइंस आती कैसे हैं, और ये डिज़ाइंस कौन बनाता है और कैसे बनाता है, और ये ज्वेलरी मार्केट में आप तक कैसे पहुँचाई जाती है, वो भी इतने रिजनेबल प्राइजेस में। तो इसी सवालों के जवाब के लिए हम चलते हैं निर्वी क्रिएशंस के फाउंडर नीरज कापड़े जी के पास। सो नीरज जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपको बढ़िया देखकर हमको भी बढ़िया लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है इमिटेशन ज्वेलरी का एवोल्यूशन। बेसिकली मैं आपसे ये सब पूछूंगा कि इमिटेशन ज्वेलरी मार्केट में जो इतनी पॉपुलर है वो इतने जी रीजनेबल प्राइजेस में, इतनी अट्रैक्टिव ज्वेलरी इतने कम प्राइजेस में कैसे सप्लाई की जाती है हम तक, वो कैसे आती है, कैसे कहाँ से आती है, उनको इतने अच्छे से तराशा जाता है, इतनी सुंदर डिज़ाइन उन पर कौन बनाता है और कैसे बनाता है। तो देखिए, ये जो है ना, इस पर अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो हमें दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये है ना बहुत वास्ट। इसका हिस्ट्री इतनी वास्ट है कि हम उसको चालू करें तो हम सबसे बढ़िया हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री पे, इसका आज कैसे होता है, पर उसको लेकर के एक इतिहास है कि आज इतनी अच्छी ज्वेलरी बन रही है तो आज ऐसे हम कहाँ से आए हैं, हमारी रूट्स कहाँ से आई है। तो अगर हम चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ, जब वहाँ के जो लोग थे तो गोल्ड और ज्वेलरी के अलावा वो इस टाइप की ज्वेलरी बना के पहनते थे। किस टाइप की? जिसमें वो शेल्स यूज़ करते थे, ठीक है, उसमें वो सी शेल्स हाँ, सी शेल्स को यूज़ करके उसका नेकलेस बना के पहनते थे, इयररिंग्स बना के पहनते थे, और उसी से वो अपना स्टेटस बताते थे। तो उस समय जो है ना, ये ज्वेलरी जो है, जिसे आज फैशन ज्वेलरी बोलते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी कहते हैं, तो उस वक्त का स्टेटस बताने का एक तरीका था कि शेल्स से बनी हुई है या गोल्ड से बनी हुई है, सिल्वर से बनी हुई ज्वेलरी है जाए। तो उस समय ये जो है एक एज अ सोसाइटी में कि हाँ, एक स्टेटस है वो बताने के हिसाब से उस समय ये चालू था। तो और बेसिकली ज्वेलरी की शुरुआत भी वाटर से हुई है। जी बिल्कुल, मतलब आप अगर देखें तो किसी भी चीज़ की शुरुआत जो है वो हमारे प्लैनेट से ही शुरू होती है। प्लैनेट के अलग अलग, जैसे आप सी की बात कर रहे हैं, या फिर आप जो माइनिंग करते हैं और मटेरियल्स उससे निकलते हैं, आपके मेटल्स जो निकलते हैं उससे बनती है ज्वेलरी। पर अब तो बहुत कुछ हो गया है, जैसे सिंथेटिक मटेरियल जो लैब ग्रोन जेम स्टोन्स भी हो गए, वो बनते हैं। तो जो भी है, ये सब हमारा प्लेनेट का ही दिया हुआ है, तो वहीं से शुरुआत होती है इसकी। तो वहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन से, मेरी जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो मुझे पता है कि यहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। ऐसे तो पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुरू हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी उस समय से शुरू है ज्वेलरी का काम, जिसमें कि वो अलग अलग मेटल्स को यूज़ करके बनाते थे ज्वेलरी। इनफैक्ट ग्लास की मैं बात करूँ, ग्लास का यूज़ करके ज्वेलरी बनती थी वहाँ पर, तो वो एक स्टेटस का सिंबल हो गया था उस समय पर। और अगर आज की बात करें तो आज हम जैसे हमारे कल्चरल कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं उसी को देख करके, उसी के आसपास पूरी जो है ना, ये पूरा फैशन इंडस्ट्री घूमता है। इवन दो लोग कहेंगे कि हाँ भाई, हम फास्ट फैशन, हम या फैशन में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बट आप देखें कि जो चीज़ कांस्टेंट है ना, वो कल्चर से रिलेटेड है। कि आज अगर हम राजस्थान राजस्थान की मीनाकारी की बात करें, कि मीनाकारी बहुत फेमस है, वो कल भी थी, आज भी है, और कल भी रहेगी। मीनाकारी को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं? मीनाकारी को एक्सप्लेन करेंगे तो वो, देखिए ऐसा है कि हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन है। मैं जो समझता हूँ कि मीनाकारी जो है ना, वो तो एक आर्टिस्ट की कला है। और ये देखिए कि आजकल हम इसको सीख सकते हैं, हम लोग, मैं खुद सीख सकता हूँ उस कला को जा करके, लेकिन जो जनरेशन से चली आ रही है ये, कि भाई आर्टिस्ट की चली आ रही है, उनकी कला पास ऑन हो रही है उनकी जनरेशन्स में, तो उसका बहुत एक ऑथेंटिसिटी की अगर बात करें तो वो बहुत अच्छा लुक देती है। ऐसे है तो बहुत सारे लोग मीनाकारी आजकल करने लग गए हैं, पर जो ऑथेंटिक चीज़ है तो वो तो हमेशा सदाबहार रहेगी। इंडियन मार्केट में ज्वेलरी टाइम टू टाइम किस तरह डेवलप हुई और उसमें क्या चेंजेस आए, और ऑडियंस को आज की डेट में किस टाइप की ज्वेलरी सबसे ज़्यादा पसंद आती है, इस बारे में कुछ बताइए, एक्सप्लेन कीजिए।
देखिए इंडियन मार्केट जो है ना वो बाकी मार्केट्स की तरह नहीं है। मतलब मैं आपको सबसे बेस्ट बात बताता हूँ इंडिया की। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में चले जाएं, वहाँ पर ना ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो चीज़ें होंगी जो लोग मतलब ट्राई करेंगे। बाकी उनका कांस्टेंट है कि भाई उनको एक मेटल की ज्वेलरी बनानी है थोड़ी सी, या फिर डायमंड ले लेंगे, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ जो है ना बहुत डाइवर्स कल्चर है, और वो डाइवर्स कल्चर की खासियत ही है कि हमको नई नई चीज़ें ट्राई करने को मिलती है। पर मेन मेन बात यही है कि ले देकर के घूम फिर के हम सिर्फ जो है हमारा जो कल्चर है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इतना ब्यूटीफुल है हमारा कल्चर, वो हमारी ज्वेलरी में दिखता है, ठीक है। तो वो इवॉल्व की, अगर इवोल्यूशन की बात करें तो आजकल हम लोग बाहर की दूसरी कंट्रीज़ के ट्रेंड्स तो हम लोग फॉलो कर ही रहे हैं, पर उसमें हम लोग अपनी अपने कल्चर को टच भी दे रहे हैं साथ में। जैसे अगर आप अमेरिकन डायमंड की बात करें तो अमेरिकन डायमंड आजकल यूज़ हो रहे हैं साथ में, जैसे अगर रजवाड़ी ज्वेलरी है तो उसमें छोटे छोटे अमेरिकन डायमंड्स भी यूज़ कर लिए हमने, प्लस उसमें मीनाकारी का काम है, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। मतलब कुछ अलग हटके लुक दे दिया। तो हर स्टेट की अपनी एक खासियत है, ठीक है। अब अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है ना गोल्ड को लेकर के काफ़ी, जैसे साउथ इंडिया में गोल्ड को कैसा इंपॉर्टेंस है, पर वहाँ गोल्डन ज्वेलरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है साउथ इंडिया में। पर यहाँ आपका अगर हमारा, इनफैक्ट आजकल तो साउथ में भी आप तो जानते हैं गोल्ड के रेट्स कहाँ आसमान छू रहे हैं, तो उसकी जगह पर है ना गोल्ड पॉलिश वाले ज्वेलरीज यूज़ करते हैं, इमिटेशन या फैशन ज्वेलरी यूज़ कर रहे हैं। तो आप अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में खासियत है जो आपके मंगलपोत और ये माला वगैरह सब जो गोल्डन में चला आ रहा है, कि मतलब एक खासियत है मतलब महाराष्ट्र की, कि बस आपको गोल्ड पॉलिश में मतलब जितना आप दे सकते हो दीजिए, जितने डिज़ाइन दे सकते हैं दीजिए, तो वो एक है। और वो महाराष्ट्र के अलावा दूसरे स्टेट्स में पसंद की जा रही है। मैं आपको बताऊँ, एमपी में, हम यहाँ एमपी में, एमपी में महाराष्ट्र की ज्वेलरी बहुत पसंद की जाती है। इनफैक्ट हमारी जो ज्वेलरी है, हम लोग जो महाराष्ट्रियन ज्वेलरी हम लोग सेल करते हैं, तो वो हमारी राजस्थान जाती है, उड़ीसा जाती है हमारी ज्वेलरी, यहाँ तक कि पंजाब भी जाती है। तो देखिए हम मतलब उससे हमको पता चल जाता है कि इसकी डिमांड कहाँ कहाँ है। उसके अलावा अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो मीनाकारी की बात करी, वो तो पूरे इंडिया में डिमांड आती है। कहीं से भी आप बात कर ले, किसी भी स्टेट की बात करें, तो वहाँ की मीनाकारी की जो खास बात है तो वो डिमांड तो पूरे इंडिया से हमको आती है। उसके बाद में अगर आप गुजरात की बात करें तो गुजरात का भी अपना एक कल्चरल है, तो उसकी ज्वेलरी अलग, आज उसका भी ट्रेंड काफ़ी चल रहा है। और अगर हम बात करें कि बाहर की कंट्रीज से जो हमने लिया है, तो उसको हम धीरे धीरे करके उसको भी हम अपने जो डे टू डे हमारे इसमें फंक्शंस में, या फिर उसको भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम पूरी तरीके से तो हम वेस्टर्न कल्चर को या इसको अपना नहीं रहे, ऐसा नहीं है कि हम अपना कल्चर ही छोड़ दे रहे, बट हाँ हम उनका भी जो ज्वेलरी का उनका तरीका है बनाने का या उनकी जो फैशन है उसको भी हम फॉलो करते हैं। तो आजकल जो आपका नई जनरेशन है, जेन जी, जेन अल्फा, ये सब जो है थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड है, उसको ओपन है मतलब फैशन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो कल्चरल तो पहनते ही हैं, प्लस साथ साथ फास्ट फैशन और जो वेस्टर्न कल्चर की जो ज्वेलरी है उसी भी पहनते हैं। आज की जनरेशन फैशन को, मतलब आज की जनरेशन फैशन को लेकर एक्सपेरिमेंट करने में बिल्कुल भी मतलब पीछे नहीं हटती एक कदम भी। वो जी बिंदास एकदम जो भी है ट्राई करते हैं, भले जी ख़राब लगे बुरा लगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखते हैं कि कैसा लगेगा। देखिए इसके ऊपर एक मैं आपको बात बताऊं कि सबसे खास बात ये है जेन जी और जेन अल्फा की, कि उनका फैशन सेंस जो है ना वो हमारी जनरेशन से 50 गुना 100 गुना आगे है। तो ये तो बात ही नहीं है कि खराब लगेगा, वो जो भी ट्राई करें ना उन पे अच्छा ही लगता है। तो और उनको पता है कि हाँ ये मैं ट्राई करूँगा या करूँगी मुझ पे अच्छा लगेगा। अगर आप मेल एक्सेसरीज की बात करें तो चेन्स हैं आज, रिंग्स हैं, इतना फैशन में है आज वो, आजकल जो यंग जनरेशन है उसको बहुत फॉलो कर रही है। अगर हम बात करें लेडीज़ की तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊं, गुजरात
का फेस्टिवल है ना, मतलब जो वैसे तो फेस्टिवल पूरे इंडिया में मनाया जाता है नवरात्रि का, पर जो गरबा जो गुजरात का फेमस है वो बात कहीं नहीं आती। तो वो आप चले जाओ बिल्कुल गुजरात में और कहीं भी जाओ, ऐसा नहीं कि आप अहमदाबाद जा रहे हो, बड़ौदा जा रहे हो, आप छोटे से छोटे गाँव में जाइए ना, वहाँ की रौनक देखने लायक होती है। तो उसमें चनिया चोली के ऊपर जो ज्वेलरी कैरी की जाती है जिसे ऑक्सोडाइज ज्वेलरी भी कहते हैं, तो वो ज्वेलरी नवरात्रि में पहनने के अलावा आज आज की अगर मैं बात करूं तो डे टू डे में लड़कियां जो है, लेडीज हैं, यंग लड़कियां हैं, वो कैरी कर रही हैं। इयररिंग्स हो गए, नेकलेसेस हो गए, मतलब डे टू डे। इनफैक्ट अगर आप कड़ों की बात करें, वो आप मतलब उन्हें कैरी करते हुए देखें और बहुत ही सुंदर लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि उनको ऐसा देखने के बाद कि हमारे इंडियन कल्चर की तो बात ही अलग है कि उसे कोई भी ट्राई करे, किसी भी जनरेशन का ट्राई करे, वो हमेशा अच्छा ही लगना है, तो बुरा लगने का तो सवाल ही नहीं है भाई। तो जैसा कि आपने अभी बैंगल्स की क्वालिटी के बारे में बताया कि वो बहुत अच्छे लगते हैं लेडीज़ के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर, जी वीडियो के स्टार्टिंग में मेरे सामने कुछ बैंगल्स थे जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था। तो ये है वो बैंगल्स, अच्छा जी, आप इसके बारे में बताइए कि इसमें डिज़ाइन किस टाइप की है, इसमें ऐसी क्या खासियत है जो इतना अट्रैक्टिव लगता है। देखिए ये जो बैंगल्स है ना, इसका अगर आप प्रोसेस देखेंगे तो इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। पहली बात तो इसकी जो डिज़ाइन है पहले वो रेडी की जाती है, ठीक है, तो इसके पीछे जो मेहनत होती है वो काफ़ी होती है। अगर इवन मैंने आपको लास्ट मेरे वीडियो में भी बताया, हमारी जो बात हुई थी, कॉन्वर्सेशन हुई थी, उसमें मैंने बताया था कि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हम इसे काफ़ी फास्ट बना पाते हैं, पर उसमें भी जब पहली बार ये डिज़ाइन क्रिएट होता है तो उसके पीछे बहुत मेहनत की होती है, क्योंकि अगर आप इस पर देखें तो बहुत ही डेलिकेट डिज़ाइन है ये, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी अच्छा मीनाकारी का काम किया हुआ है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, ठीक है, कलरफुल स्टोन्स हैं, रानी कलर एंड ग्रीन कलर के बहुत ही सुंदर स्टोन्स हैं, मीनाकारी है। अच्छा, मीनाकारी में भी दो तरीके हैं, आपको बताऊं मैं। एक होती है ग्लॉसी जिसमें रेजिन का यूज़ होता है, तो रेजिन में कलर मिला करके फिर उससे कलर किया जाता है एक एक, ये मशीन से नहीं हो पाता, ठीक है, तो हैंडमेड ये होता है ये, हाँ ये हाथ से ही होता है। इतनी बारीक डिज़ाइन, इतनी जी फिनिशिंग से, हैंड बिल्कुल से। बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि हमारे कल्चर की बात ही अलग है। और जो हमारे यहाँ के कारीगर हैं ना, अगर उनकी आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि उनकी कला जो है ना, आज उसी की वजह से आज हमारा सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, ये पूरे विश्व में जा रही है ये कला, और लोग बाहर इसे पहनना बहुत पसंद करते हैं, इसे बहुत अडोर करते हैं। हमें हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं अब्रॉड से, कभी आता है कोई हमारे फिजिकल स्टोर पर आता है, तो वो हमसे कहते हैं कि यार इतनी अच्छी डिज़ाइंस कहाँ से आते हैं, और वो हमसे काफ़ी परचेस करके लेके जाते हैं। तो आपके पास ये कुछ ज्वेलरी और रखी हुई है, तो चलिए मैं उसके ऊपर ही बात कर लूँ कि अब आप जैसे अब ये इसकी बात करें, मैंने कहा कि हम बाहर का भी फैशन फॉलो करते हैं। अब ये आप ये मंगलसूत्र को ही देख लीजिए, ठीक है, ये रजवाड़ी पॉलिश में ये मंगलसूत्र है। अगर मैं आपकी इसकी बेसिक्स से मैं स्टार्ट करूँ कि ये काम कहाँ से शुरू होता है, तो सबसे पहले तो इसकी डिज़ाइन तैयार होती है, उसके बाद में इसका डिज़ाइन फाइनल होने के बाद में इसकी कास्टिंग रेडी होती है, कास्ट रेडी किया जाता है, कास्ट के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसे करने जाएंगे तो ज्वेलरी को बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो पहले एक ओरिजिनल कास्ट बनेगा, कास्ट में फिर ये मेटल, अब जो भी मेटल यूज़ कर रहे हो, ब्रास यूज़ कर रहे हो या फिर कोई एलॉय यूज़ कर रहे हो, स्टेनलेस स्टील यूज़ कर रहे हो, तो वो मेटल को मोल्ड करके डाला जाएगा, मेल्ट करके, सॉरी, मेल्ट करके डाला जाएगा उस मोल्ड में। उसका मोल्ड में डालने के बाद जब वो सेट होगा तो एक अनफिनिश्ड थोड़ा सा लुक आएगा। जितना अच्छा मोल्ड बनेगा ना उतना अच्छा आपका डिज़ाइन आएगा। और उसी का बात है, मतलब ये अगर पूरी ज्वेलरी की बात करें तो मार्केट में बोलते हैं ना कि ये डिज़ाइन सस्ते मिल रही है, वैसा मिल रहा है, वैसा मिल रहा है, यहाँ पे महंगा है, यहाँ सस्ता है। बात रहती है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने में आपको कितनी कॉस्टिंग लगी है, क्योंकि एक अच्छा मोल्ड तैयार करना भी एक अपने आप में कला है। अच्छा मोल्ड अगर बन जाएगा तो उससे ज्वेलरी बहुत फिनिश्ड बनेगी। आप उसके ऊपर अगर अच्छा मोल्ड नहीं बनाओगे, आप उस पर कितना भी काम करोगे तो वो उतना फिनिशिंग नहीं दे पाएगा जितना एक ये चीज़ दे रही है, ठीक है। एक एक डिटेलिंग आप इस पे देखिए, इतनी फिनिश्ड है, इसकी पत्तियों के ऊपर इतनी अच्छी फिनिशिंग की हुई है, बीच में स्टोन लगाया हुआ है। यहाँ देखिए, मैं आपको कह रहा था कि कल्चरल हम लोग लेते हैं
वेस्टर्न कल्चर भी, तो यहाँ एडी स्टोन्स का काम किया हुआ है, बड़े सुंदर काम किया हुआ है। देखिए यहाँ किया हुआ है, यहाँ स्टोन्स लगे हुए हैं, नीचे एक छोटा सा और एक स्टोन है ड्रॉपलेट फॉर्म का, तो ये बहुत बढ़िया एक आपका मंगलसूत्र बन गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। इसकी ईयरिंग्स आप देखिए, है ना, इसकी ईयरिंग्स देखिए कितनी शानदार फिनिशिंग के साथ इसकी ईयरिंग है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये एक अपने आप में एक कला है, और हर कोई इसे बहुत सारे लोग आज करते हैं, लेकिन फिनिशिंग के साथ देना वो मैटर करता है। तो हम लोग जब भी कोई चीज़ को बनवाते हैं तो उसमें एक चीज़ का हम लोग ध्यान देते हैं कि उसमें फिनिशिंग होना चाहिए। थोड़ा सा महंगा ज़रूर होगा, हल्का सा, लेकिन बात यह है कि हम नहीं चाहते कि हम अपने कस्टमर को कुछ भी इंफीरियर दें। अगर जा रहा है तो उसमें पूरी मेहनत की हुई हो, और कस्टमर को वर्थ इट लगना चाहिए। बात इतनी सिंपल सी है, और हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमने कुछ दिया तो हमने अच्छा ही दिया। बात वो है। सो ज्वेलरी के डिज़ाइन से ज़्यादा मोल्ड का शेप डिपेंड करता है कि ज्वेलरी का शेप कैसा होगा। नहीं, शेप तो आपका डिज़ाइन से आएगा, कि कैसा आप उसको डिज़ाइन कर रहे हो उसके बेसिस पे मोल्ड बनेगा, और फिर उसके बाद में उसका शुरू होता है। तो पहले जो मोल्ड करके फिर कच्चा निकलता है, कच्चा मटेरियल कहते हैं उसे, कि भाई कच्चा निकला, उसके बाद अब आपको उसको पॉलिश कौन सा करना है। आपको उसको गोल्ड पॉलिश देना है, आपको उसको रोडियम देना है, रोज़ गोल्ड देना है, सिल्वर देना है, वाइट देना है, क्या देना है आपको, तो वो सारी पॉलिश जो है वो कच्चे मटेरियल के ऊपर, कि वो कैसा लगेगा। आप उसको एक पूरा डिज़ाइन रेडी होने का ना, वो भी देखते हो कि आप पॉलिश कौन सा करो, क्योंकि सेम डिज़ाइन आपकी गोल्ड में भी हो सकती है, आप इसकी सिल्वर में होगी, रोडियम जिसको कह लीजिए, आपकी वाइट में होगी, तो ये सभी फिर वो बात का स्टेप है कि आपको किस में प्लेटिंग करनी है उसकी। उसके बाद में फिर उसमें स्टोन्स लगेंगे, उसमें मीनाकारी का काम भी होगा, सब कुछ उसके बाद होता है। सो ये जो आपने बताया मोल्ड, और मोल्ड से शेप बनता है ज्वेलरी का, उसके बाद डिज़ाइन की जाती है, फिर पॉलिशिंग की नहीं, जाती है। डिज़ाइन पहले होता है, डिज़ाइन पहले होता है जी, और उसके अकॉर्डिंग मोल्ड मोल्ड बनाया उसके जाता बाद है। मोल्ड बनेगा, फिर उसके बाद में पॉलिश होगी, पॉलिश के बाद में फिर आपके उसके ऊपर जो डेलिकेट काम है जैसे कि स्टोन लगाना है। अब इसमें भी एक चीज़ है, देखिए आप एडी की ज्वेलरी में कई बार कुंदन की ज्वेलरी में देखेंगे, सुना होगा आपने जड़ाऊ, हाँ जड़ाऊ वर्ड सुना होगा आपने। तो एक चीज़ है कि मैंने लिया स्टोन लिया, उसके नीचे मैंने फेविकोल लगा दिया, उसको चिपका दिया, ले लिया सस्ते में, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा हो गया जड़ाऊ, जो ज्वेलरी अगर मतलब काफ़ी मतलब मूव भी होती है जगह से तो उसका स्टोन नहीं गिरता, उसे कहते हैं जड़ाऊ। कुंदन में एडी में अभी बहुत सारी वैरायटीज हो गई है कि जिसमें कस्टमर्स बहुत सारे ऑप्शन है, सेम दिखने वाली ज्वेलरी लेकिन थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि इसको इसको ग्लू से लगाया गया है कि ये जड़ा हुआ है, उसका भी फर्क आता है। प्लस आपके जेमस्टोन का फर्क आता है कि आप कितने सिंथेटिक जेमस्टोन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कितना आपका उसका क्वालिटी कैसा है, ठीक है, वो उस पर फर्क पड़ जाता है, उसमें भी इंफीरियर सुपीरियर क्वालिटी आ जाती है। फिर आप जो मीनाकारी कर रहे हो कितनी डेलिकेट डिज़ाइन है, क्योंकि मीनाकारी ऐसा नहीं है कि बस आपने कलर भर दिया, ठीक है, उसमें भी आपको उसको मतलब जितना बारीक काम है उसके हिसाब से आपको फिनिशिंग के साथ करना होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से काम होता है, और फिर उसके बाद ये रेडी हो जाता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर होलसेलर्स के पास पहुँचता है, होलसेलर्स देन उसको और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये आपका कड़ा हो गया, ठीक है, ये स्क्रू वाला जो कड़ा आता है आपका वो है ये, ठीक है। अभी रजवाड़ी पॉलिश में है, इसके ऊपर आप देखिए कि कितना मतलब ये अगर आप इसको पास से देखें तो कितना फिनिशिंग के साथ ही किया हुआ है, ठीक है, इसमें कहीं भी ऐसे ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सब उसकी प्रॉपर जगह पर है, कहीं से भी कहीं कोई डेंट नहीं लगा है। जो ये मीनाकारी अगर आप देख रहे हो तो ये सिर्फ पेंट नहीं किया है ब्रश से, इसमें ना रेजिन को मिला करके पेंट में पहले उसको फाइनल करके फिर उसमें डेलिकेटली ये फिल किया गया, और इसके आप लेयर देखेंगे तो एकदम बारीक सी लेयर है पर ग्लॉसी लेयर, तो इट्स मीन्स कि ये आपका रेजिन के साथ में करके फिर इसको क्योर किया गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी डेलिकेट अच्छी और मतलब अच्छी उठ के देखने वाली डिज़ाइन है, काफ़ी काफ़ी सुंदर है तो जैसा कि आपने इतनी सारी प्रोसेस बताई जी। कि मोल्ड बनाया जाता है डिज़ाइन को देखते हुए, फिर फिनिशिंग दी जाती है, फिर डिज़ाइन किया जाता है, फिर कलरिंग की जाती है, जी तो ये सब काम कोई एक पर्टिकुलर पर्सन करता है या पूरी टीम अलग-अलग काम करती है? देखिए, कोई भी चीज़ आप सिर्फ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की अगर अपन बात ना करें तो कोई भी चीज़ को आप करें अगर, तो उसका एक प्रोसेस होता है, सेट ऑफ प्रोसीजर होगा। अगर एक आदमी करने बैठेगा सारा प्रोसेस तो पहली बात तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि
ऐसा है ना कि कोई भी चीज़ एक आदमी के पास करना, मतलब क्योंकि उसमें जो उसको करने के लिए जितना पैसा लगता है ना, वो एक आदमी के पास इतना फंड्स होना उस पर्टिकुलर टाइम पर पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही शॉट में डिज़ाइन का काम भी शुरू कर देगा। देन हाँ, डिज़ाइनिंग तो कर सकता है, क्योंकि डिज़ाइन करके उसको उसका मोल्ड बना के उसको नए डिज़ाइन बनाने हैं तो वो एक काम हो सकता है। क्योंकि जैसे अगर मैं, मान लीजिए मैं अगर एक कच्चे माल का मैन्युफैक्चरर हूँ, तो हो सकता है कि आप मुझे कुछ डिज़ाइंस दोगे, जो या तो हो सकता है कि मेरे पास डिज़ाइनर हो कि मैं अपनी खुद के डिज़ाइंस बना बना के कच्चा माल बनाऊंगा, या फिर हो सकता है कि मल्टीपल पूरे देश विदेश से जो लोग हैं अपने डिज़ाइंस मुझे भेज रहे हों, और एक मेरा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगा जिसको लेकर के मैं वो डिज़ाइन को, ठीक है कि हम, मैं आपको इसका मोल्ड तैयार कर दूंगा और इसका कच्चा मटेरियल जो मैं आपको बना कर डिलीवर कर दूंगा। तो ये उसका एक पार्ट हो गया। उसके बाद वो जाएगा पॉलिश के लिए। पॉलिश मैं खुद नहीं करूँ, करके दूंगा। हाँ, अगर आप बोलोगे तो मैं किसी जो इसका पॉलिश जो लोग करते होंगे उनको मैं दे दूंगा, उनसे करवा के आपको दे दूंगा, या फिर मैं आपको दे दूंगा और आप उसे खुद जो आपका प्रेफर्ड यूनिट है वहाँ से आप करवा सकते हो। तो उसकी क्वालिटी की बात आ जाती है, जिसमें इंडिया में अगर आप देखें तो काफ़ी सारी जगह पे रोज़ गोल्ड की जो पॉलिश है ना, वो हर कोई अच्छी नहीं दे पाता है। बहुत कम लोग हैं इंडिया में जिनकी रोज़ गोल्ड की पॉलिश जो है वो अच्छी है। तो आपको हर जगह जो रोज़ गोल्ड मिल रहा है वो अच्छा नहीं मिलेगा, आप बहुत लिमिटेड हैं जिसके यहाँ से अगर वो बन के आया होगा, जिसके यहाँ वो पॉलिश होके आया होगा, तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म चलेगा। मतलब रोज़ गोल्ड की आर्ट काफ़ी ज़्यादा रेयर है। हाँ, मतलब आप अगर सिल्वर और गोल्ड की अगर आप बात करें तो उसकी पॉलिश जो है वो काफ़ी लोग अच्छी दे देते हैं, पर रोज़ गोल्ड में नहीं दे पाते। तो वो एक है, हमने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय हमने सभी चैलेंजेस देखे थे, तो ठीक है वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व करते गए। एनीवेज, उसके बाद का फिर प्रोसेस है कि आप, ये पॉलिश हो गई, उसके बाद में आप स्टोन्स वगैरह आप ले रहे हो, तब ऐसा नहीं है ना कि आप स्टोन्स भी खुद ही बना रहे हो। भाई जो मैन्युफैक्चरर होगा, जैसे कच्चा मटेरियल लाकर उसको पॉलिश करवा कर उसे अपने फैक्ट्री में लेकर आया, वो सिंथेटिक जो जेमस्टोन्स है वो खुद थोड़ी घर में बना रहा होगा ना। उसके लिए जेमस्टोन के लिए कोई दूसरी कंपनी होगी किसी, जैसे मान लीजिए आप बना रहे हैं जेमस्टोन, तो मैं आपसे लेकर आ गया, मैंने आपसे कहा कि ठीक है मेरा ये डिज़ाइन है, मुझे इसमें इस टाइप के जेम स्टोन्स चाहिए। आपके पास में ऑब्वियसली वेराइटीज़ बहुत सारी होगी कि इस कलर में मेरे पास में ये जेम स्टोन्स हैं, ये स्टोन्स हैं, इस 2 mm का है या 1 mm का, जो भी मतलब साइज़ वगैरह के हिसाब से कलर उसमें, ये बहुत सारे, मतलब आप बोले ना उसमें तो इतनी वेराइटी है कि एक आदमी के बस का ही नहीं है कुछ भी करना, सब कुछ करना एक आदमी के बस का है ही नहीं, इम्पॉसिबल। तो वो एक पूरा इंडस्ट्री है जो एक साथ मिलकर ये काम करती है, और जब जा कर के ये फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है और फिर हम इसे अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को हम देते हैं। तो काफ़ी मेहनत है, मतलब एक ज्वेलरी को बनाने में ही काफ़ी मेहनत जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक व्यक्ति जो बोले कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, और दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि मतलब आप पूरा प्रोसेस तो आप खुद कर ही नहीं सकते हो। हाँ ठीक है, आप उसको असेंबल कर रहे हो या फिर आप उसको कच्चा माल आप बना रहे हो, ठीक है वो हो सकता है कि मैं एज अ बिजनेस मैन, अगर मैंने जब 2020 में अपना बिजनेस शुरू किया था तब हम लोग किसी होलसेलर से परचेस करते थे, धीरे धीरे करके हम अब उस लेवल पर आ गए हैं कि अब अपनी ज्वेलरी हम खुद बनवाते हैं, हम अपने डिज़ाइन दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो बनता है, एक एक प्रोसेस होते हुए आता है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा मतलब एक इंडस्ट्री की बात करना हो जाएगा, लेकिन जो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे वीडियो नहीं चलते, हम मैन्युफैक्चरर है, हम मैन्युफैक्चरर है, हमारे पास से ले जो सस्ता है सस्ता है सस्ता है, तो सब ना मतलब वो सब झूठ है। एक कोई भी मैन्युफैक्चरर पूरे तरीके से नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं हो कि भाई खुद की किसी की जनरेशन से चला आ रहा है काम, तो मे भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर हाँ मेजॉरिटी 99.99% जो है इस इंडस्ट्री में
वो अकेले कुछ भी खुद नहीं कर सकते, वो किसी ना किसी प्रोसेस का पार्ट है, पर हाँ वो कम्प्लीटली सब कुछ खुद नहीं कर रहे। तो ये हमारे पॉडकास्ट की सीरीज का सेकेंड एपिसोड था। आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। नीरज कपाड़े जी के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातचीत हुई। और एक सवाल और कि आपने जो अभी ज्वेलरी हमने देखी वीडियो में, ये भी शायद आपके शॉप की है जी, तो अगर किसी को ये ज्वेलरी परचेस करना हो तो कैसे कर सकता है इजीली? देखिए, दो तरीके हैं आप जिससे हमसे ज्वेलरी परचेस कर सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा ऑफलाइन स्टोर है जो कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में आता है ये, और वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। हमारा फिजिकल स्टोर है वहाँ से, तो उसका एड्रेस आप प्लीज़ दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा ऑप्शन है हमारी वेबसाइट से, कि आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी हों आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा www.nirvilifestyle.in पर। इस पर जाएंगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे ज्वेलरी के, जहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। आपको जो भी ज्वेलरी पसंद आए आप उसे अपने कार्ट में ऐड कीजिए, चेकआउट कीजिए, वो ज्वेलरी हम आप तक जल्द से जल्द पहुँचा देंगे। अफशान, आज आपसे इतनी अच्छी बात हुई है तो मैं अपने व्यूअर्स को कुछ एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो जो भी हमारे व्यूअर्स अपना इतना कीमती समय देकर जो उन्होंने हमारा इस वीडियो को देखा है, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, एक कूपन कोड मैं हम लोग आप प्लीज़ मैं आपको दे दूंगा, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना। जी ज़रूर। तो वो जो भी ज्वेलरी को आप परचेस करना चाहते हैं उसे कार्ट में ऐड कीजिए, और कूपन कोड आप वो डाल के उसे अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा, आप प्लीज़ उसे मेंशन कर दीजिएगा ताकि हमारे व्यूवर्स उसे यूज़ कर सकें। जो ऑडियंस यहाँ तक एंड तक इस वीडियो तक पहुँच गई है, उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस दिया नीरज कापड़े जी ने 10% ऑफ कूपन कोड लगाकर। तो इनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर आराम से परचेस कर सकते हैं और कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसी सीरीज़ के थर्ड एपिसोड में।